वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। आप लोग देख सकते हैं, मैं आप लोगों को कई बार बोल चुका हूँ कि एग्ज़ाम अब जुलाई के बाद क्या जुलाई में ही होंगे, जून मई जून तो जाना है भाई। इस बात को आप अच्छे से समझ लो, ना मान रहे हो तो ये आप न्यूज़ देख सकते हैं आज सुबह की, जुलाई के बाद ही होंगी सभी परीक्षाओं पर फैसला। कोरोना संक्रमण के मामलों में बेतहाशा बढ़ोतरी के 12वीं की बोर्ड परीक्षा सहित स्थगित की गई सभी परीक्षाओं को अब समझ लो स्थगित की गई सभी परीक्षाओं को अब जुलाई के बाद ही कराने की तैयारी। वैसे भी देश भर में कोरोना संक्रमण की जिस तरह से गंभीर स्थिति बनी हुई है, जिसमें इसके सामान होने से अगले 2 से 3 महीने का समय लगने की उम्मीद जताई गई है। हालांकि इसे लेकर कोई भी अभी अंतिम फैसला 1 जून को पूरी स्थिति को देखते हुए लिया जाएगा। कोरोना के चलते अब तक स्थगित परीक्षाओं सहित अगस्त तक प्रस्तावित सभी परीक्षाओं को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और संबंधित परीक्षाओं से जुड़ी एजेंसियों के बीच मंथन शुरू हो गया है। ठीक है भाई, स्थिति सामान्य होने पर सबसे पहले CBSE की 12वीं की बोर्ड, फिर 10वीं की रद्द आंतरिक आकलन कराया जाएगा। ठीक है, सारी तो परीक्षाएं दोस्तों यार बची हुई हैं अभी, UP बोर्ड और CBSE सबको फिलहाल मंत्रालय विषय विशेषज्ञों सलाह लें, UGC से भी इससे लेकर राय ली गई। इसके साथ ही नीट नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट की अंडर ग्रेजुएट को 1 अगस्त को प्रस्तावित परीक्षा को भी टाला जा सकता है, 1 अगस्त को जो उसको भी टाला जाएगा। ठीक है, वैसे भी संक्रमण की स्थिति को देखते हुए तारीख के ऐलान के बाद अभी तक इसके आवेदन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। माना जा रहा है कि अब इससे पहले 12वीं की बोर्ड परीक्षा व JEE मेंस जैसी स्थगित की गई परीक्षाएँ कराई जाएंगी। अब तक जिन प्रमुख परीक्षाओं को स्थगित किया जा चुका उनमें CBSE के ये सारी चीज़ें। ठीक है भाई, जुलाई में प्रस्तावित है वो अगस्त में प्रस्तावित नीट अंडर ग्रेजुएट में शामिल। तो ये यार चीज़ें हैं, ये आप ये समझिए कि बहुत बुरी स्थिति है। ये जो बात यहाँ पर लिखी है कि कम से कम 2 से 3 महीने स्थिति को कंट्रोल करने में लग जाएगा इन्हें, जिस हिसाब की हमारे भारत की व्यवस्था है, आप देख रहे हैं आपको कुछ छुपा नहीं। अगर कुछ छुप रहा हो तो आप चले जाओ किसी भी ऑक्सीजन गैस प्लांट के बाहर, या तो आप किसी हॉस्पिटल में चले जाएँ, या आप किसी यहाँ पर आपका मेडिकल हब मेडिकल स्टोर का वहाँ पर आप चलिए, आप देख सकते हैं कितनी ब्लैक मार्केटिंग और क्या क्या हो रहा है यार। ठीक है, तो इसलिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें, तैयारी करते रहें। एग्ज़ाम आप मैं गारंटी दे रहा हूँ दोस्तों, चाहे CGL हो कोई भी एग्ज़ाम हो, ना मई में होगा और ना जून में होगा, जुलाई से मे बी। ठीक है, जुलाई भी जा सकता है, ऐसा नहीं है कि जुलाई में ही होगा, ऐसा कोई कंफर्म नहीं, लेकिन धीरे धीरे स्थिति नॉर्मल होगी। जिस तरीके से पिछली बार किया गया तो उसी तरीके से किया जाएगा। तो इसी उत्साह उम्मीद के साथ दोस्तों जुड़े रहें मैथ वॉरियर्स के साथ। चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार ज़रूर कर लें, क्योंकि आपको सबसे पहले अपडेट किसी भी एग्ज़ाम के कैंसिल या होने की इसी चैनल पर मिलेगी, और आपको एडवाइजरी भी मिलती रहेगी।